की जो अभी ड्राइवर्स है, खास करके जो ट्रक ड्राइवर्स है, जिन्होंने अभी तक कि आपकी 60 साल की उम्र के बाद दो दिन के लिए यहाँ पे सीएससी वालों को बुला के आप लोगों का खुदा न खास्ता कभी किसी का एक्सीडेंट या कुछ ऐसा होता है तो आपको यही बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक ड्राइवरों की लगेगी पेंशन, हादसा होने पर मिलेगा मुआवजा, लगता है ऊपर वाले ने इनकी सुन ली। दोस्तों, ये वीडियोस हमारे सामने आई है जहां पर लाइन लगी हुई है, एक महिला कर्मी बैठी हुई हैं और वो ऐलान और घोषणा कर रही हैं कि आइए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन किस लिए? रजिस्ट्रेशन इसलिए कि आपको 60 साल के बाद पेंशन मिल सके, अगर हादसा हो जाए तो 1 या 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिल सके। जी हाँ, क्या क्या कह रही है जरा इस वीडियो को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्कीम जो गवर्नमेंट की बड़ी देर से चल रही है, बट इसमें ऊपर से डायरेक्शन आई है कि जो अभी ड्राइवर्स है, खासकर के जो ट्रक ड्राइवर्स है, जिन्होंने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है, उनके लिए हम स्पेसिफिकली ये ड्राइव कर रहे हैं दो दिन के लिए यहाँ पे सीएससी वालों को बुला के। आप लोगों का बैंक अकाउंट कॉपी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और एक आपका फोटोग्राफ, तो आपका ई श्रम कार्ड बनेगा। उससे आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपकी 60 साल की उम्र के बाद आपको 3,000 पर मंथ मिलेगा, और अगर खुदा न खास्ता कभी किसी का एक्सीडेंट या कुछ ऐसा होता है तो 2 लाख और 1 लाख रुपये आपको उसमें मिलेगा। तो इसी के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। आप सबसे गुजारिश करूंगी कि यहाँ पे आके अपना जो ई श्रम कार्ड है बनवाए। इस वीडियो में आपने सुना, ये महिला कर्मी बैठी है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का ये ऑफिस है जहां पर ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। यहां पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो अभी अभी लॉन्च हुई है। हाँ, अब इसको ड्राइवरों तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी गई है। ये जम्मू के किश्तवाड़ की वीडियो है, यहाँ पर महिला कर्मी बैठी हैं और ये ऐलान कर रही हैं कि आइए अपने बैंक की कॉपी लाइए, आधार कार्ड लाइए, फोटो लाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए ई श्रम में, इसलिए ताकि आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके ई श्रम। जी हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए महीने की किस्त बन जाएगी या पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। हादसा होने की स्थिति में 1 या 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। तो अब डायरेक्ट ड्राइवरों तक पहुंचने की ये मुहिम चालू कर दी गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। जी हाँ, आइए अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीचर्स क्या है। ये रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत की जा रही है। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, यानी कि जो भी सरकारी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, प्राइवेट है, निजी काम कर रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, उसके लिए ये है। इसके लिए एंट्री करवाने के लिए 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए और उसकी महीनावार इनकम जो है वो 15,000 रुपए तक होनी चाहिए। अब इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि खास क्या है इसमें, वो भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ, जो कि हमने आपको बताया कि 3,000 रुपए महीना आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ये एक ऐच्छिक और सहयोग करने वाली पेंशन स्कीम है। मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार की तरफ से ये एक तरह का योगदान है। आगे बढ़ावा दिया गया है ड्राइवरों के लिए और अन्य कम्युनिटी के लिए भी। अब इस चीज को लेकर कि अभी तक कितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है, खासकर ट्रांसपोर्ट जगत के जुड़े लोगों ने, वो भी हम आपको बताते हैं। ई श्रम की साइट पर जाकर अगर हम देखें तो वहां पर लिखा गया है ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से 82,84,019 लोगों ने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के लोगों ने करवाई है, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात। दोस्तों, बहुत समय से वैसे ये ड्राइवरों की मांग भी रही है, कई बार हमने देखा है खासकर उड़ीसा में इसको लेकर हड़ताल भी हुई, मांगे की जाती रही हैं कि ड्राइवरों के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च की जाएं, उनको सुविधाएं दी जाएं कि उसको एक्सीडेंट के समय बीमा मिले, पेंशन स्कीम मिले, बच्चों के लिए स्कूलों में अच्छे से एडमिशन मिले। अब उनमें से ये 2-3 चीजें तो पूरी होती नजर आ रही हैं। हाँ,
अब देखना ये है कि अभी तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, कब मिलेगा कब नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन का लाभ आप ले सकते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और रजिस्ट्रेशन करवाने से कोई नुकसान नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।